नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम गुड्डू कुमार सिंह है और आप लोग देख रहे हैं गुड्डू ऑफिशियल बिहार वाला। दोस्तों, मैं अक्सर कंपनियों के बारे में बताया करता हूँ ताकि कंपनी सही है कि नहीं है, वैकेंसी के बारे में बताता हूँ कि ये वैकेंसी लीगल है कि नहीं है। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक ऐसा वैकेंसी जो आप लोग स्क्रीन पर पहले देख लीजिए, स्क्रीन पर देखिए, इंजा कंस्ट्रक्शन का वैकेंसी है साउथ अफ्रीका। दोस्तों, बहुत आदमी इसके चक्कर में फंस जाएंगे कि इसमें हैवी अभी वैकेंसी आया हुआ है, स्टोर कीपर का बहुत सारा वैकेंसी आया हुआ है, इसमें अच्छा सैलरी भी लगेगा, साउथ अफ्रीका चले भी जाएंगे, अच्छा कंपनी भी है। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल आप लोग मत सोचिए, क्योंकि मैंने जो इसमें स्टोर कीपर का वैकेंसी आया हुआ है, मैं डायरेक्ट उनको मेल किया था कि भाई मेरे को स्टोर कीपर में आपके कंपनी में आना है, तो आपके यहाँ जगह खाली है तो बताइए, मेरा इतना साल का एक्सपीरियंस है, मैं बहुत गल्फ रिटर्न हूँ, साउथ अफ्रीका में भी काम किया हूँ, तो अगर आपके यहाँ जगह खाली है तो हमको बताइए। तो उन्होंने उधर से क्या रिप्लाई दिया है मैं आप सभी को बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी से एक छोटा रिक्वेस्ट करूंगा, जो भाई चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा बेल आइकन प्रेस करके। दोस्तों आप लोग से मैं एक निवेदन करूँगा कि पहले आप लोग किसी के यहाँ अपना CV मत भेजिए, क्योंकि CV भेजने से बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है आप सभी को, इसलिए कि आप मोबाइल नंबर भेजेंगे ही तो आप लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। दोस्तों, आज मैं आप सभी को दिखाऊंगा कि जो ये वैकेंसी है, आप लोग स्क्रीन पर देखें एक बार और देख लीजिए, ये वैकेंसी बहुत ज़्यादा पूरा फेक है। यानी कि जो इंजा कंस्ट्रक्शन है, इंजा कंस्ट्रक्शन कंपनी साउथ अफ्रीका, उसका अभी कोई वैकेंसी इंडिया में नहीं आया हुआ है, मैं ये साबित कर दूँगा और मैंने खुद बात भी किया है और मैं आप सभी को प्रूफ करके दिखाऊंगा भी। तो दोस्तों, चलिए बिना देर किए मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, मैंने क्या मेल किया आप सभी को दिखा दे रहा हूँ, आप लोग भी देख लीजिए, और मैंने क्या उनको मेल किया इंजा कंस्ट्रक्शन कंपनी को, और उधर से क्या रिप्लाई आया आप लोग देख लीजिए। मैंने मेल किया है, हाय गुड नाइट, आई एम फ्रॉम इंडिया, माय नेम इज़ गुड्डू कुमार सिंह, आई वर्क एज ए स्टोर कीपर, आई वांट ए जॉब दैट हैज़ माय एक्सपीरियंस ऑफ 5 years कतर कुवैत डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कंगो। मैंने ये उनको मैसेज किया है, ठीक है, उनके वेबसाइट पर। तो उन्होंने क्या बोला है आप सभी को, उनका जो क्या बोले हैं वो भी आप सभी को मैं दिखा देता हूं, ताकि आप लोग क्लियर हो जाएं, और इसका वैकेंसी इंडिया में फर्जी वैकेंसी बहुत जा रहा है, उससे आप लोग सतर्क हो जाएं, फर्जीवाड़ा बहुत हो रहा है इस कंपनी में, इस कंपनी के नाम पे, तो आप लोग सतर्क हो जाएंगे। दोस्तों, तो लिखा है, डियर एप्लिकेंट, थैंक यू फॉर योर कम्युनिकेशन, काइंडली नोट दैट इफ़ यू हैव बीन रेफर्ड टू ए वैकेंसी वीज़ा कंट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इट इज़ ए फेक एंड इंजा कंस्ट्रक्शन इज ए नॉट रिक्वायरिंग इन इंडिया। फोर्थ मोर, प्लीज इन्फॉर्म ऑल योर कंटेक्ट दैट मे हैव बीन अफेक्टेड, वी हैव रिपोर्टेड द फ्रॉडुलेंट मैटर टू द लीगल अथॉरिटीज एंड इट इज़ ए बींग इंटरगेटेड। दोस्तों, इनका कहना ये है कि इंडिया में इसका कोई भी इनके कंपनी का, यानी कि इंजा कंस्ट्रक्शन जो है, उनका वैकेंसी, यानी को अभी कोई आदमी नहीं, इस टाइम में कोई आदमी वहाँ पर इनका नहीं ले रहे हैं, यानी वैकेंसी इनका नहीं जा रहा है वहाँ पे, अभी वहाँ पे इनका वैकेंसी या कुछ भी यहाँ से, मैंने इंजा कंस्ट्रक्शन का साउथ अफ्रीका से कुछ भी नहीं गया। आप लोग हिंदी में देख लीजिए, कृपया ध्यान दें कि यदि आपको रोज़गार की वीजा अनुबंधन के लिए भेजा गया तो यह फर्जी है और इंजा कंस्ट्रक्शन भारत में भर्ती नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, वही है, दोस्तों आप लोग ऐसे फर्जीवाड़े वैकेंसी से आप लोग दूर रहिए और फर्जीवाड़ा के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो आपका पैसा, मेडिकल का पैसा 70-80 हज़ार ऐसे जाएगा तो जाएगा ही, मेडिकल का भी तो पैसा जाएगा, संग में बहुत सारा आपका पैसा बर्बाद हो सकता है। दोस्तों ये वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और कोई भी प्रॉब्लम इस कंपनी संबंधित या साउथ अफ्रीका कंपनी संबंधित तो हमको कमेंट जरूर करें।